नमस्ते एवरीवन, जय स्वामी नारायण। आप सबका स्वागत है डिस्कशन टॉपिक। आज हमारा डिस्कशन टॉपिक करने वाली है टीम आप, और डिस्कशन टॉपिक है योगा थेरेपी एंड नेचुरल हीलिंग इन वुमेन्स हेल्थ। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स हेल्थ। आजकल हम देख रहे हैं वुमेन्स हेल्थ आर लॉट ऑफ इश्यूज आर कमिंग, उसके लिए योगा थेरेपी नेचुरल हीलिंग में क्या क्या सोल्यूशन है। आज हम सबको ये 20 मिनट में वी आर गोइंग टू गेट एवरी थिंग इन एट वन डिस्कशन पॉइंट। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड टू टीम आप, जिसके मॉडरेटर है रीना झरेकर जी। उनके साथ टीम मेंबर्स है सोनाली सिंघवी, गायत्री जी, अलका जी, अनीता जी। सो आप सबका स्वागत है इन डिस्कशन, एंड वी आर वेरी मच श्योर टू गेट लॉट ऑफ इंसाइट्स एंड नॉलेज अबाउट योगा थेरेपी एंड नेचुरल हीलिंग इन वुमेन्स हेल्थ। ओवर टू यू रीना जी। Hello, good evening everyone. Myself Reena. I am from UP team. So today our team will discuss about women's health issue. हम सब जैसे जानते हैं कि दिन ब दिन हम सब वुमेन्स जो है हेल्थ इश्यूज के बारे में या फिर कोई भी इश्यू है हम सब डील कर लेते हैं, लेकिन जब बात हमारे हेल्थ के ऊपर आती है तब हम थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि कैसे है क्या है, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि हमारे जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस किस लेवल पे है, क्यों हो रहे हैं, मतलब अगर कुछ डिसीज होने वाला है तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसका क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं किसी डिसीज को क्योर करने के लिए। तो ये सब चेंजेस जो है हमारे बॉडी के हमें समझने में काफी देर लग जाती है। तो ये देर ना लगे और हम जो वुमेन्स है हमारे हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, इसके लिए हम सब आज आप टीम जो है वो वीमेंस हेल्थ के इश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाली है। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है पीरियड्स के बारे में, जिससे जो पीरियड्स है वो उसके लिए डिस्कस करने हमारे साथ जुड़ रही है सोनाली जी। सोनाली जी, ओवर टू यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनाली। तो फ्रेंड्स, हमारा वुमेन्स गर्ल्स में सबसे पहले जो मिनाद से चालू होता है वो है पीरियड्स। तो सबसे पहले पीरियड्स क्या है? इट्स अ वर्जाइनल नॉर्मल ब्लीडिंग विच इज अ पार्ट ऑफ द वुमेन्स मंथली साइकिल। मंथली साइकिल्स में चालू हो जाता है जहाँ पे हमारी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम जो होती है वो शेड हो जाती है। सो पीरियड्स यूजुअली स्टार्ट होता है बिटवीन द एज ऑफ 11 एंड 14 एंड इट कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। तो अराउंड 51 एज तक ये चालू रहता है। यूजुअली ये एवरेज लेंथ जो पीरियड्स का होता है वो 24 डेज से लगा के 38 डेज होता है एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। सो क्या होता है, ये ईच मंथली साइकिल में अपना जो एंडोमेट्रियम है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को, अपने फीटस को नरिश करने के लिए। सो यहाँ पे क्या होता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हाई हो जाता है सो दैट अपना ये थिकनिंग वॉल हो जाए। सो अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, अगर नहीं ऑकर हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम जो लाइन है अलोंग विद म्यूकस ब्लड हमारे बॉडी से निकल जाएगी थ्रू द वजाइना ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, पीरियड्स के थ्रू निकल जाती है। अब पीरियड्स के साथ में जो ब्लीडिंग होती है वजाइना में उसके साथ वुमेन्स बहुत फेसेस करती है प्रॉब्लम सच एज एब्डोमिनल पेन होता है, पेल्विक पेन होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, फूड क्रेविंग होते हैं। सो अब ये सारे फीमेल्स अपने प्रॉब्लम्स है ना क्या फेस करती ही रह रही है। अब इसके साथ काफी बार फीमेल्स में ये भी होता है वुमेन्स में जो इरेगुलर पीरियड्स फेस करते हैं तो इसके साइन क्या होता है, जैसे अगर आपका इरेगुलर पीरियड्स जो है अगर एक्सटेंड हो गया 35 डेज एंड मोर तो ये इरेगुलर पीरियड हो जाता है। फिर अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है विद द क्लॉट्स विद द स्पॉटिंग और अगर आपका पीरियड्स जो होता है मिस हो गया, 3 consecutive पीरियड्स अगर मिस हो गया है देन इट्स अ कंसर्न। ये सारे रीजंस क्या होता है, अब ये कॉजेस क्यों है, मतलब अपने इरेगुलर पीरियड क्यों होते हैं। सो फर्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा हार्मोनल जो होता है उसमें इम्बैलेंस आता है तो रीजन हो सकता है। सेकेंड ओबेसिटी है, हाइपो या हाइपरथायराइड हो सकता है और सबसे स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन ये सबसे मेन कॉज है मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करने के लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। अब आएगा हम कैसे योगा थेरेपी नेचुरल हीलिंग से हम कैसे उसे कर सकते हैं इम्प्रूव, हमारे इरेगुलर पीरियड्स को कैसे ठीक करें। सो फर्स्ट थिंग है रेगुलर एक्सरसाइज करिए ताकि आपका बैलेंस हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो सके,
प्लस अपना योगा करना बहुत जरूरी है, जैसे बंद कोणासन है, सेतु बंधासन है, बहुत सारे आसन है जिससे आपका पेल्विक का है ना क्या उसको स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर होने में हेल्प करेगा. फिर कंज्यूम द राइट डाइट, मतलब अनहेल्दी फूड्स जो होता है वो सबसे मेन प्रॉब्लम है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करने में. ये जंक फूड सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, एंड यू शुड गो मोर टुवर्ड्स ईटिंग मोर ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा. देन अगेन वी कम टू द आयुर्वेद. आयुर्वेद प्लेज अ मेजर रोल, नेचुरल हीलिंग में बहुत अच्छे से प्ले करता है. अपने जैसे हमारे घर पे होम रेमेडीज होते हैं, एलोवेरा जूस है, सिनेमन है, वार्म वाटर में सुबह डाल के थोड़ा सा पी लीजिए, ये सारे इरेगुलर पीरियड्स प्रॉब्लम पीरियड से कनेक्टेड सॉल्व करने में हेल्प करेगा. वन मोर इम्पॉर्टेंट अ वेरी गुड रेमेडी इज देयर लेमन ग्रास, गुड़, जागरी, दालचीनी, लौंग, ये सबको मिक्स करके इसका गर्म आधा पानी पी ले रात को सोते समय, कुछ दिनों तक कंटिन्यूस पीते जाइए. इससे बहुत सारे पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है. ऑल्सो व्हेन वी कम्स टू एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर में हमारे चिन का सेंटर बीच का पार्ट को अगर दबाए कुछ 5 मिनट तक, तो हमारे पीरियड्स में है ना क्या जो भी एब्डोमेन पेन सब होता है उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करता है. सो फ्रेंड्स, विथ अ रेगुलर डाइट, विथ कंज्यूमिंग अ हेल्थी फूड, कीपिंग अ स्ट्रेस फ्री, आपके इरेगुलर पीरियड्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकते हैं. थैंक यू सो मच. बैक टू रीना. थैंक यू. वाओ, थैंक यू सोनाली. कितने अच्छे और इजी तरीके से सोनाली ने हमें पीरियड्स के बारे में हमसे डिस्कस किया है. नहीं तो जो बहुत सारी लेडीज जो है वो पीरियड्स को पीरियड्स नहीं समझती, वो पीरियड्स को प्रॉब्लम समझती है. जबकि प्रॉब्लम तो ये है कि हम हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को नहीं समझते हैं. क्या उस साइकिल के दौरान हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ही नहीं समझते, हमारी बॉडी क्या फंक्शनिंग कर रही है उसको ही नहीं समझ रहे. तो हम अब आगे से अब हम पीरियड्स को प्रॉब्लम नहीं समझेंगे. वो तो हमारे एक शरीर का भाग है जो हर मंथ हमें होता है और जो अच्छा है हमारी बॉडी के लिए. और उसमें उसके दौरान अगर आपको कुछ पेन है तो जैसे सोनाली ने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, आयुर्वेदा के कुछ काढ़े बताए, वो सब आप होम रेमेडीज भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पीरियड्स में पेन हो रहा है. सो फ्रेंड्स, चलिए वुमेन्स हेल्थ इशू के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और गायत्री जी से जानते हैं फाइब्रॉइड के बारे में. ओवर टू यू गायत्री जी. थैंक यू रीना जी. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम गायत्री कृष्ण, मैं फाइब्रॉइड के बारे में आज कुछ बताऊंगी आपको. फाइब्रॉइड्स आर नॉन कैंसरस ग्रोथ इन द यूट्रस or along its inner walls that occur during a woman's childbearing years. They grow in like different sizes, different quantities. It depends like person to person. काफी ladies को fibroid होता है but उनको lifetime वो पता ही नहीं चलता है because as such fibroid के कोई symptoms नहीं होते हैं. ये हमें कैसे पता चलता है? किसी कारण जब हम sonography करते हैं या pelvic checkup होता है उस time पे हमें ये find out हो जाता है. So, जिनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होता है कि जो आपके फाइब्रॉइड के साइज है, नंबर्स है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. और क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? बेसिकल हैवी मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग या आपके मेनिस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, कंटिन्यूस अर्ज टू यूरिनेट, अ पेन इन योर लोअर एब्डोमेन, इन योर लेग्स, बैक पेन, और आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आपको इंडिकेट होते हैं सिम्टम्स में. जबकि कहीं पे भी देर आर नो डेफिनेटिव साइंस और सिम्टम्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रॉइड्स. जैसे ओबेसिटी, पुअर ईटिंग हैबिट्स, डिलेड प्रेगनेंसी, अर्ली पीरियड्स एंड लैक ऑफ फिटनेस एंड स्ट्रेस आर ऑल पॉसिबल कॉजेस. कहीं पे भी इसको एग्जैक्ट उसके प्रॉब्लम करके नहीं बताया गया है. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओवरऑल इज लाइक हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज इज द की फॉर एवरी डिजीज. सो रेगुलर एक्सरसाइज एंड वेल बैलेंस्ड डाइट से हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं. जैसे हमें कम से कम हफ्ते में 3 से 5 दिन और कम से कम आधे घंटे के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए. जैसे डाइट के लिए डाइट रिस्ट्रिक्शन जैसे है, हमें ज्यादा ऐसे कोई फूड नहीं खाना चाहिए जिससे एस्ट्रोजन लेवल हमारी बढ़े. हमें ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए. हमें मीट एंड हाई कैलोरी फूड को अवॉइड करना चाहिए. लाइक हाई कैलोरी फूड यानी जो जंक फूड्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए. एंड
अवॉइड एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन, शुगर का ज्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए. फाइब्रॉइड को कंट्रोल करने के लिए हम योगा थेरेपी से, और कंट्रोल इन द सेंस उसका ग्रोथ को रोकने के लिए हम योगा थेरेपी की मदद ले सकते हैं, नेचुरल हीलिंग की मदद ले सकते हैं, आयुर्वेदा का मदद ले सकते हैं. हमें ऐसे आसनास करने चाहिए जिससे हमारे एब्डोमेन रीजन और हमारे यूट्रस को प्रेशर आए, उसको स्ट्रेंथन करे. इससे क्या होगा, ये आसना से हमारे ना ही उस जगह को, लोअर एब्डोमेन को या हमारे यूट्रस को मसाज मिलेगा, बल्कि उसका सर्कुलेशन, जो भी वो कैविटी में हमारे ऑर्गन्स है उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा. इसके कारण जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही है उस पे उसको बेनिफिट मिलेगा. एंड टू कंट्रोल द स्ट्रेस, एज आई सेड द स्ट्रेस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम. टू कंट्रोल द स्ट्रेस वी हैव टू गो फॉर अ ब्रीदिंग प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन. Okay, like this, few asanas and practices are there which I will name. That is Paddha Konasana, Paschimottasana, Vipreet Karani, Nadi Shuddhi, Bhramari Pranayama, meditation mein Nadanusandhan, Yoga Nidra, Japa Yoga. Ye sare hame bahut benefit karte. Aise hi yoga mein bahut bada khazana hai jisme se aapko ek ek moti chunna hai. In natural healing, you can go for mud pack, hydrotherapy and many more. इसी तरह से आयुर्वेदा में भी आपको बहुत सारे डाइट रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी. इसमें ये सारी चीजें क्या करेंगी, ये आपको एक्टिव एंड इट विल हेल्प टू रेगुलेट योर एड्रेनलाइन स्ट्रेस एंड इट विल कीप योर बॉडी साइकिल प्रॉपर. फॉर द बेटर रिजल्ट यू ऑलवेज हैव टू प्रैक्टिस अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस विच गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट. खुद का मतलब ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज पर्सन टू पर्सन सबकी बॉडी अलग होती है. इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस में करना जरूरी है. थैंक यू सो मच रीना जी, ओवर टू यू. वाओ, थैंक यू गायत्री, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है हम सबके साथ डिस्कस की, हम सबके साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फाइब्रॉइड्स कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम लोगों ने सब समझ लिया. उसको कैसे क्योर करना है बाय योगा थेरेपी, बाय प्राणायाम, बाय आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, उसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं वो हमने गायत्री जैसे समझ लिया है. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वुमेन्स हेल्थ इशू का, वो टॉप लिस्ट पे है, जो कॉमन है. बहुत जन जो है अभी पीसीओडी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीसीओडी, बहुत जन इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं कि पीसीओडी है, पीसीओडी है, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं. ये जो है इसका डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए हमसे जुड़ रही है अनीता जी. ओवर टू यू अनीता जी. जय स्वामी नारायण, सभी को ओम जय स्वामी नारायण. फ्रेंड, जैसे हमने सुना है पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. अभी हम देखेंगे 90% लेडीजों को, मैं तो जितने भी ज्यादातर मिलती हूँ सभी लोग यही बोलते हैं पीसीओडी पीसीओडी हो गया. क्यों ये पीसीओडी होता है, पीसीओडी होने का रीजन क्या है? उसका रीजन हम खुद हैं. हम लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हाइपरटेंशन लेते हैं, इसलिए हर लेडी का काम करते करते बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत ज्यादा दिमाग में चीजें आती हैं. हम लोग जैसे अभी गायत्री जी ने बताया डाइट के बारे में, सोनाली जी ने बताया, वही डाइट इसी में भी हमें वही फॉलो करना है. लेकिन रीजन क्या है, क्यों होता है ये? हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस कारण से ही होता है, मेन बात तो ये है. और आजकल यंग गर्ल्स में बहुत ज्यादा हो रहा है. क्यों? क्योंकि उनका डाइट सही नहीं है. वो लोग सोचते नहीं, समझते नहीं, बिना भूख लगे तो भी जंक फूड खाए जा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं. वो फैशन हो गया स्मोकिंग करना और उनके लिए अल्कोहल पीना, तो वो फैशन में आ गया. तो लेकिन जब उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है तब उनको समझ नहीं आता. इसके सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स हैं, पर बहुत लोगों को नहीं पता. इसलिए मैं आप सिस्टर्स, आप लोगों को बताना चाहूंगी इसके सिम्टम्स हैं. सबसे पहले तो हमारा बैक से नेक काला हो जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे, पीरियड्स इरेगुलर होने लगेगा, पेट का साइज बड़ा होगा, बॉडी का वजन, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, और अनचाही जगह पे बाल आते हैं. क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक हार्मोन होता है जो मेंस में होता है, वो हमारे अंदर होने के कारण क्या होता है, हमारे अनचाही जगह पे हमें बाल आने लगते हैं. तो दैट इज अ कॉल्ड PCOS. तो ये तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दी. अभी इससे क्योर कैसे करेंगे हम? ठीक है, पहले तो आपको बता दिया था मैंने PCOS होता क्या है. फिर से मैं एक बार छोटा सा बताना चाहूंगी, जो डॉक्टर लोग भी आप लोगों को समझाते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं PCOS होता क्या है. वो जो एग होता है जो हमारी ओवरी में आता है, वो पूरा घुलने के बाद हमें पीरियड्स होते हैं,
पर वो क्या होता है, वो घुलता नहीं, वो वहीं रुक जाता कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और वो वहीं रुक जाता क्योंकि वो बोलता कि मुझे अच्छे हार्मोन्स मिले ही नहीं है, मैसेज मिला ही नहीं है हार्मोन्स का। तो जब हमारे अच्छे हार्मोन्स हम उसे भेजेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएंगे, उनको हार्मोन्स मिलते ही नहीं है अच्छे से, तो हमारा एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है लेडीजों का वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके कारण वो वहीं पर रुक जाते हैं और उसके अंदर छोटी छोटी सी फोड़ियां होने लगती हैं, गठान होने लगती है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्ट। इतनी सी बात है, बस इतना सा आप समझ लीजिए, यही होता है पीसीओएस। अब इसको क्योर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डाइट, जैसे गायत्री जी ने बताया बहुत अच्छा डाइट का बताया, सेम वही डाइट आप नहीं फॉलो करना है, बेकरी प्रोडक्ट नहीं लेना है आपको, आपको ज्यादातर फ्रेश फूड वेजिटेबल्स का यूज करना है, ठीक है, और मिल्क कर्ड और जूस का यूज करना, राइट। अभी मैं फटाफट आ गया होंगी नेचुरल थेरेपी के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं। कुछ मट थेरेपीज होती हैं, कुछ हॉट एंड टॉवल एंड कूल टॉवल से भी कुछ थेरेपी होती है, वो आप कर सकते हैं, हिप टब बात कर सकते हैं, ये कुछ नेचुरल थेरेपीज में आते हैं, वो आप कर लीजिए। और योग, योग तो सबसे बेस्ट है, तो कहती हूँ करो योग रहो निरोग, सभी लेडीजों को रोज योग करना चाहिए। कुछ पश्चिमोत्तान आसन है, पर्वत आसन है, बाल आसन है, और एब्डोमिनल ब्रीथिंग करिए, जैसे कपालभाति करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, तो ये क्या करेगा, हमारे पेल्विस रीजन को प्रॉपर रखेगा और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। मेडिटेशन करिए 15 मिनट, किसने क्या बोला इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, तो क्या होगा, हमारे अच्छे जो हैप्पी हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन होगा और हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। यहां से निकालो, यहां से लो, यहां से निकालो, यहां रखो मत, ठीक है, तो हमारी पिट्यूटरी अच्छे से काम करेगी, राइट। अभी हम आएंगे, कुछ छोटा सा मैं आयुर्वेदिक बताती हूँ फटाफट, और फिर मैं यही पर मेरा जो बड़बड़ है वो स्टॉप करूंगी। तो अभी हम आते हैं आयुर्वेदिक पर। हारशिंगा करके एक पत्तियां होती है पेड़ की, जिसके फ्लावर व्हाइट कलर के होते हैं, उसके पत्ते आप मॉर्निंग में उबाले उनको अच्छे से, और उसको अगर काढ़ा बना के आप पीते हैं तो आपके बोन्स भी अच्छे रहते हैं और आपका जो ओव्यूलेशन होता है वो भी अच्छे से होगा फॉलिकल्स का, और आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। दालचीनी क्या करता है, इंसुलिन हमारा बॉडी में अच्छा रखता है, इंसुलिन अधिक होने के कारण भी पीसीओडी होता है, ठीक है, उसके कारण फिर आपको बताऊंगी मैं आगे रिस्क क्या होती है फटाफट। तो आप दालचीनी यूज करिए और आप मुलेठी यूज करिए, मुलेठी के कारण क्या होता है, जो टेस्ट्रॉइड जो हार्मोन्स होता है वो भी बैलेंस हो जाता है, जो बॉडी में हमारे बढ़ जाता है, तो पीसीओडी होगा ही नहीं। अभी रिस्क क्या होता है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया ये सब चीजों पे कि कौन करे, जाने दो छोड़ो मुझे तो सोना है, कौन उठे कौन करे, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएंगी, डायबिटीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, प्रेगनेंसी भी होगी, हाइपरटेंशन। तो इन सब चीजों से बचने के लिए लेडीजों को सबसे पहले योग करना चाहिए, योग करो रहो निरोग। जय स्वामी नारायण। वाओ, हेलो, वाओ अनीता जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में, अगर यहाँ पे मैं बोलूं, संजय सर का यहाँ पे मुझे बहुत याद आ रही है, उनके जैसे जोरदार तरीके से आपने हमें जो है कि पीसीओडी कैसे क्योर कर सकते हैं आयुर्वेदा से या फिर नेचुरोपैथी से कैसे हम क्योर कर सकते हैं पीसीओडी जो है, वो आपने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हमारे साथ। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं, और मेनोपॉज जब आता है तब हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, यही समझाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही है अलका जी। ओवर टू यू अलका जी। थैंक यू रीना जी। तो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अलका तिवारी है और मैं आज मेनोपॉज के बारे में कुछ छोटी छोटी मोटी चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहले मेनोपॉज होता क्या है, दैट इज मार्किंग द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी सबने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात किया, एमसीज की बात किया, पीरियड्स के बारे में बात किया, तो ये क्या है, इट इज एंडिंग द मार्किंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी को 12 महीने तक मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आया है, 12 महीने तक कंटिन्यूअसली मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आया, तो दैट सेज की पर्सन इज गोइंग टू हैव, द लेडी इज गोइंग टू हैव मेनोपॉज। और ये कब आता है, 40 से 50 की एज में आता है, एवरेज एज 51 ईयर्स है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, डरना नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है, सारी लेडीज के साथ में होता है। नाउ मेनोपॉज कितने क्या क्या सिम्टम्स लेकर आता है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे काफी लेडीज हैं, या तो उनको आ रहा होगा या आने वाला होगा इन फ्यूचर। तो क्या क्या हो सकता है मेनोपॉज में,
ड्यूरिंग द ईयर कम जो चल रहा है उसमें या कमिंग या शायद आप उस चीज से गो थ्रू कर रहे होंगे, तो मेन जो सिम्टम्स है वो है इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है, वेजाइनल ड्राइनेस होता है, हॉट फ्लैशेस बहुत आते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हो, स्ट्रेस हो सकता है, स्लीप का प्रॉब्लम हो सकता है, मूड स्विंग बहुत हो सकते हैं, फैमिली के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, थिनिंग हेयर, लॉस ऑफ ब्रेस्टफुलनेस, वो थोड़ा सा एक आउटलुक को लेके, अपनी बॉडी के आउटलुक को लेके एक टेंशन हो सकती है. तो ये सारी कुछ चीजें हैं, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप झेल सकते हो मेनोपॉज में. नाउ व्हाट हैपेंस इन मेनोपॉज, तो हमने सोनाली जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पीरियड्स में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो मैं जस्ट एक बहुत एक कंपैरेटिवली सा टेबल सा बनाया था, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ी सी मेडिकल स्टूडेंट टाइप हूँ, मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिया था. बट हाँ, इसमें आपका मेनली प्रॉब्लम क्या हो रही है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है, जो एंडोमेट्रियम का लेवल बना रहा था, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका पेल्पिटेशंस, हेडेक्स, जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, वो सारी चीजें स्टार्ट होते हैं. प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, अगर प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं. तो ये दो तीन हार्मोन हैं जो आपके पीरियड्स में काम कर रहे हैं. वही चीजें जब आपके मेनोपॉज के टाइम पे जैसे ही उनका लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो आपका इश्यू स्टार्ट होता है मेनोपॉज का. सो कमिंग टू योगा थेरेपी फॉर मेनोपॉज, तो फोकस पॉइंट्स क्या है हमारे योगा थेरेपी के लिए, पहला तो बिकॉज स्ट्रेस है, स्लीपलेसनेस है, ये सारे इश्यूज है, तो ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, मेडिटेशन बहुत सारा करना है, मेरे सारे फ्रेंड्स ने बताया अभी, आसन पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि आपके पेल्विक फ्लोर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. देन कुछ क्रियाज करनी है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, एंड देन आप इसको शक्ति विकासिका के कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे कैल्शियम चिलेशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती कैल्शियम चिलेशन बहुत होता है, तो आपको शक्ति विकासिका की एक्सरसाइजेस करती है ताकि जो जॉइंट पेन हो रहा है बॉडी के अंदर वो आप रिड्यूस कर सको. तो ये कुछ आसन है, ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स ने बताया है, ब्रीदिंग पे बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं, क्रियाज कर सकते हैं जैसे पवन मुक्तासन, अनंत आसन वगैरह, और आसन पे ध्यान दे सकते हैं. सेतु बंधासन जो है ये तो रामबाण है लेडीज के लिए, तो सेतु बंधासन जितना हो सके उतना करिए. बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज, वो कर सकते हैं आप. बाकी लेटरल पोजेस, उभयचर कोणासन, ये सारी जो फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है वो सारे आप कर सकते हैं. तो आसन पे आपको फोकस करना है. मेडिटेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, योग नित्रा, जपा अजपा, अगर पर्सन बहुत रीजनल है और बहुत ही रिलीजियस है तो उनको जपा अजपा करवा सकते हैं. क्रिया कर सकते हैं, कपालभाति नहीं, थोड़ा बहुत करना है, त्राटक कर सकते हैं स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए. एंड शीतली शीतकारी जैसे प्राणायाम बहुत बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो हॉट फ्लैशेज आते हैं लेडीज को उसको रिड्यूस करने के लिए. भ्रामरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी स्लीप पे हेल्प करता है, जो स्लीपलेसनेस होती है उसमें हेल्प करता है. नेचुरोपैथी में आप जैसे काफी अभी आयुर्वेदा के हिसाब से काफी चीजें डिस्कस हुई हैं, तो सोया, फ्लैक्सीड, शतावरी वगैरह ले सकते हैं. एंड कैल्शियम रिच फूड लेना ही लेना है क्योंकि कैल्शियम चिलेशन, जैसे मैंने बताया, कैल्शियम चिलेशन बहुत ज्यादा होता है, बोन्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस टाइम पे, तो कैल्शियम का इनटेक करना बहुत जरूरी है, विटामिन ई का इनटेक करना बहुत जरूरी है. दूसरा कुछ अदर थेरेपीज है, जैसे हाइड्रोथेरेपी हो गया हॉट फ्लैशेस के लिए, वो कर सकते हैं. विटामिन डी, रामबाण है, सारी डिजीजेस के लिए वो कर सकते हैं. मसाज ले सकते हैं ताकि आपको नींद अच्छी आए. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप चीजें फॉलो कर सकते हैं अपने मेनोपॉज के डेज को सुखकारक बनाने के लिए. तो आपको आने वाला है, आया होगा, तो आप उसको प्रॉपरली आप उस चीज को झेल सके, या आप झेलना नहीं है, आप उसको अच्छे से एंजॉय करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके. सो ओवर टू यू रीना जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अलका जी, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वो सब तैयार करके हमें समझाने की कोशिश की है कि मेनोपॉज एक्चुअली होता क्या है, उसमें हमें क्या करने चाहिए. हमें एक ग्रेसफुल तरीके से मेनोपॉज की तरफ बढ़ना है, ना कि हमें उसका टेंशन लेना है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोचना नहीं है. जो है उसको एक्चुअली हम वुमेन्स के अंदर एक बिल्डअप रहता है कि हम कोई भी, जैसे संकट आता है, कोई भी चीज आती है, तो पहले हम थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, लेकिन बाद में जब हम थोड़ा सा माइंड को काम करते हैं, योगासनास करेंगे, बाय प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हम ये सब चीजों से बहुत अच्छी तरीके से ग्रेसफुली हमारा जो मेनोपॉज है वो इंजॉय कर सकते हैं. यहाँ पे मैं इंजॉय ही बोलूंगी, उस हर एक चीज को इंजॉय ही करना है. सो फ्रेंड्स, जो हमारी आप टीम है उसने आपको अच्छी तरीके से जो वुमेन्स हेल्थ
जो इश्यूज है उसके बारे में डिस्कस किया है, समझाने की कोशिश की है। अब आपका ये थोड़ा सा रहेगा कि आपके आजू बाजू में कोई लेडीज रहेगी, कोई जो मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही लेडी रहेगी, या घर में बेटी रहेगी जो जो पीसीओडी पीसीओएस से जूझ रही है, तो उसको आप थोड़ा सा हेल्प करना है कि क्या क्या योगासनाज, मेडिटेशन या फिर हाइड्रोथेरेपी, नेचुरोपैथी, किसी भी तरीके से बस सब जो डिसीज है उसको क्योर करना है और हमारी लाइफ जो है वो अच्छे से इंजॉय करनी है, क्योंकि वुमेन से आप खुश तो सारा सारा जो है वो घर खुश है। सो थैंक यू वंस अगेन सोनाली, गायत्री, अलका जी एंड अनीता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।